साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए उसने अस्थिरता का सहारा लिया। हर नेता की सरकार कांग्रेस ने अस्थिर की। आज यह प्रस्ताव के समय इसकी चर्चा आई है तो मैं ज्यादा उसके लिए कहता नहीं हूं। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोडमैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब भी देश के रक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ, जब हमारी सेनाओं ने कोई उपलब्धि हासिल की, कांग्रेस ने हर बार उन पर सवाल उठाए। आप सिर्फ सोचिए कि 5 साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था। इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायुसेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट न मिल पाए। इन्होंने अपप्रचार किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, एचएएल को खत्म किया जा रहा है। ये लोग तो एचएएल के बाहर फोटो तक खींचवाने के लिए चले गए थे, लेकिन देखिए एचएएल आज कैसे धूमधाम से आगे बढ़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।